बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन में तरहमा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं आलू पुलाव। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ मैंने दरमियाने साइज के 4 अदद प्याज ले लिए हैं, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 4 अदद आलू ले लिए मैंने, उसको इस तरीके से कट कर लिया है। हरी मिर्ची ले लिए मैंने 10 से 12, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1/2 कप मैंने यहाँ पे दही ले लिए है। 1 अदद टमाटर, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 2 टेबल स्पून। और यहाँ मैंने 2 कप चावल भिगो दिए थे। और स्पाइसेस मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर लेंगे और प्याज ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 कप ऑयल ऐड कर लेंगे। प्याज को हमें लाइट ब्राउन कर लेना है अच्छे से। साथ साथ गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 अदद लौंग ले लिए हैं, 3 साबुत काली मिर्चें और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी प्याज लाइट ब्राउन होने पे है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाती है अच्छे से, तभी इसमें अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ध्यान में रखिएगा कि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन। इसकी अब अच्छे से भुनाई करेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट भुनाई होने के बाद हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। अब मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच डालूंगी, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा ली थी, आप कम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ चटपटा तीखा ज़्यादा खाया जाता है, तभी मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा ली थी। आलू को हमने 5 मिनट अच्छे से भूनना है कि उसका ऑयल ऊपर आ जाए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और भुनाई अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें टोमेटोज ऐड कर लेंगे, साथ ही ग्रीन चिलीज भी ऐड कर लेंगे जो हमने उसका टेस्ट बनाया था। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 2 मिनट अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 2 मिनट भुनाई होने के बाद हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे ढक्कन देके 5-10 मिनट के लिए। यहाँ मैं 1/2 कप दही में 1/2 टीस्पून जो है क्यूमिन सीड ऐड कर लूंगी, और ब्लैक पेपर भी हम 1/2 टीस्पून के करीब करीब ऐड कर लेंगे। इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे जो हमने अभी बनाई थी। दही ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट तक। इसमें हम ना हल्दी डालेंगे ना लाल मिर्च डालेंगे, इसका बिल्कुल टेस्ट यखनी पुलाव जैसा आता है। बहुत मज़े का बनता है ये, बहुत टेस्टी होता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए इसकी भुनाई हो चुकी है, अब आप इस पॉइंट पे जो है इसको चख लें, इसमें कुछ डलेगा कि नहीं डलेगा। अब हम इसमें 4 कप पानी ऐड कर लेंगे और इसको तेज़ आँच करके हम ढक्कन देके छोड़ देंगे जब तक उबाल आ जाए। ये रेसिपी जो है बहुत इजी और बहुत फास्ट है। देखिए पानी में उबाल आ गया, अब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन ऐड कर लेंगे 1। पुलाव का पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसको दम लगा लेंगे। लो फ्लेम कर लेंगे बिल्कुल, और 15 मिनट तक इसको दम पे रख लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देख लेंगे। माशाल्लाह, हमारा पुलाव रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। लीजिए हमारा मज़ेदार आलू पुलाव तैयार है।
आप इसे रायते के साथ, सैलेड के साथ खा सकते हैं। बहुत मजेदार डिश है ये। जाइए आप भी ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने रिव्यूज का इजहार कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।